BMI या बॉडी मास इंडेक्स आपके शारीरिक ऊंचाई के संबंध में आपके वजन के आधार पर शरीर में फैट का एक आकलन है। BMI यह शारीरिक फैट का एक सरल, सस्ती और गैर विहीन कृत्रिम माप है, यह बड़ों और बच्चों दोनों के लिए शरीर में फैट का एक उचित सूचक भी है। BMI को एक मापन यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है यह पता करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति कम वजन, अधिक वजन, मोटा या स्वस्थ है। अगर किसी व्यक्ति की BMI स्वस्थ BMI रेंज से बाहर है तो उनके स्वास्थ्य के जोखिम में काफी वृद्धि हो सकती है। BMI की कैलकुलेशन BMI कैलकुलेटर या BMI चार्ट के आधार पर की जा सकती है, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में अवश्य करेंगे। 18.5 से कम का BMI बताता है कि आप कम वजन वाले हैं और आपको कुछ वजन बढ़ाने की आवश्यकता है। 18.5 और 24.9 के बीच का BMI इंडिकेट करता है कि आप अपने हाइट के लिए एक स्वस्थ वजन पर हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखने से आप गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के विकास के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। वहीं 25 और 29.9 के बीच का BMI दर्शाता है कि आप थोड़ा अधिक वजन कर रहे हैं और आपको फिट होने के लिए कुछ वजन कम करना ही चाहिए। 30 से अधिक का BMI संकेत है कि आपका वजन बहुत अधिक है और अगर आपने वजन कम नहीं किया तो आपका स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट में बेझिझक लिखें और मैं जितनी जल्दी हो सके आपको उत्तर दूंगा। यदि आपको यह सूचना सहायक लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।